उड़ीसा के पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा देश के साथ साथ दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां लोग दूर दूर से इस यात्रा का आनंद लेने और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर साल आषाढ़ माह में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में भगवान कृष्ण के साथ साथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी विराजमान किया जाता है और इस बार ये रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 को निकाली जाएगी। बता दें कि इसमें भव्य रथों पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी और बलभद्र गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस साल पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे 2 दिन चलने वाली है, क्योंकि पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तिथियां घट गई हैं। ऐसे में रथ यात्रा के पहले की सभी परंपराएं 7 जुलाई तक चलेंगी, जिसके बाद सुबह के बजाय शाम को रथ यात्रा शुरू होगी। लेकिन रथ यात्रा के बाद रथ नहीं हाँका जाता है, इसलिए रात को रथ रोक दिया जाएगा और 8 जुलाई को जल्द सुबह रथ चलाना शुरू होगा। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस बार तिथियों का ऐसा संयोग साल 1971 को बना था और अब इतने सालों बाद बना है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रथ यात्रा का महत्व क्या है और ये रथ यात्रा निकाली क्यों जाती है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा जताई। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और फिर तीनों भाई बहन उस पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौट आए। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है।